क्या कहेंगे इनके बारे में? फुल मून पाँचवें और ग्यारहवें घर के फ़ायदे देगा। फिफ्थ हाउस के एडवांटेजेस में जॉय, लुत्फ अंदोज होना चीज़ों से ये बढ़ेगा, गुड लक इन्हेंसमेंट आएगी और कंपटीशंस, जिस कंपटीशन में भी हिस्सा लेंगे उसमें अपनी सलाहियतों से तो विन करने के चांसेस बनेंगे ही बनेंगे, साथ में गुड लक की वजह से विन करने के। इस वक्त एग्ज़ाम्स देने हो ना तो, और वो एक्यूरियस भी हो तो ये हफ्ता आइडियल है। मेमोरी स्किल्स गजब की, मैनेजमेंट स्किल्स गजब की इस वक्त है क्यूरियस को, और विन करने के चांसेस भी ज़्यादा। फिर रिलेशनशिप में भी बहुत ग्रोथ है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ती हुई जाए। और ग्यारहवें घर के फ़ायदों में रूट्स मिलते जाएंगे, बुनियादी ताकतें मिलती जाएंगी चीज़ों को, और ये प्राइस बॉन्ड जो निकलते हैं ना, अगर कहीं से निकलते हैं तो उसमें वो जो अचानक गुड लक की वजह से आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिल जाता है ना, वो ग्यारहवें घर का ही बेनिफिट होता है और वो इसको एक्यूरियस को मुयस्सर है। अब सारे जाके प्राइस बॉन्ड ना खरीदने लग जाए, लेकिन इतना ज़रूर है कि अचानक कोई बड़ी खुशखबरी माली तौर पर मिल सकती है। बिल्कुल सही है। एंड आखिरी चीज़, मार्स एंड जुपिटर इकट्ठा है, ये हिजरत की खराबियों को दूर कर देगा। अगर कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स दरकार थे जो हिजरत के लिए ज़रूरी थे, तो वो डॉक्यूमेंट्स या तो फुलफिल हो जाएंगे या कानूनी पेचीदगी कम हो जाएगी।